मैंने पहले भी कहा है, आई एम 200% विद द फिल्म एंड विद माई डायरेक्टर मिस्टर संजय लीला भंसाली. गिवन दैट इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टाइम राइट नाउ, आई हैव बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड नॉट टू से एनीथिंग. Given that it's a sensitive time, I have been asked to not say anything. Whatever official communication with regards to the film needs to be made, you will receive from the producer. Thank you very much for coming out today. बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पद्मावती फिल्म से जुड़कर. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर एक मूवी बनी है तो बिना उसे देखे या जो जो मेन लोग हैं जब तक उस मूवी को ना देख लें, अपनी राय ना दें, पहले से उसके खिलाफ उसका विरोध ना करें, पहले कोई चीज़ देख लें. और अगर आपको लगता है जैसे मूवी को लेकर ये बहुत ज़्यादा है कि दीपिका में और रणवीर में वो कुछ रोमांस ना दिखाया जाए, तो सबसे बड़ा इशू तो वही है. और जहाँ तक हमारे सुनने में आ रहा है कि उनका तो एक भी सीन साथ में नहीं है, तो अनलेस यू नो आप फिल्म को देख लो और तब तक उस पर रिएक्ट करना, उसको अपोज करना, उसके पोस्टर जला देना, आई डोंट थिंक ये एक सही चीज़ होगी. अब मेरे मुझे नहीं लगता कोई भी मानेगा इस देश में कि जो हो रहा है एक आर्टिस्ट के साथ वो सही है. तो मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ इस बात को कि सही है. तो एक अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत होनहार लड़की है और बहुत ब्रेव लड़की भी है. तो आई विश हर ऑल द बेस्ट. और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ पिक्चर में काम किया है. और किसी को भी नाराज़ करने का या किसी को बेइज्जत करने का आई एम श्योर किसी का इरादा नहीं है. बिल्कुल संजय लीला भंसाली तो ऐसे डायरेक्टर है ही नहीं जो किसी को चीप फिल्म में तो वो बनाते ही नहीं, गलत फिल्म में तो वो बनाते ही नहीं. उनकी हिस्ट्री देखिए, ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन फिल्म मेकर एंड अकॉम्प्लिश्ड फिल्म मेकर. और वो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, लोगों की इज्जत करते हुए फिल्म बनाई होगी. हमने किसी ने नहीं देखी है तो हम कैसे ओपिनियन दे सकते हैं? प्रिजम्पशन पे तो यू कांट प्रिज्यूम गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, ऐसा नहीं होता ना. इट्स प्रिज्यूम इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ऐसा होना चाहिए. दैट इज़ द लॉ ऑफ जस्टिस. तो आप पहले से ही उनको गिल्टी करार कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है. आई थिंक फिल्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर किसी को किसी भी चीज़ पर एतराज़ है तो देर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. देर इज़ यू नो व्हाट आई मीन इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे. आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है. वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स, जो भी है करके. तो वो एक वो बॉडी है जो एट दी एंड राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़ दे डिसाइड. लेट देम डिसाइड फर्स्ट, लेट देम हैव एन इश्यू कि ये काटो ये नहीं काटो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. लेट द फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट. हमको लड़ना पड़ता कभी भी हमारी फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए. वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं. पहले तो वहाँ से निकलने दो. वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है देख द फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. पहली बात तो ये. उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना. सिंपल बात ये है. अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देर इज़ अ कोड ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट. यू कॉन्ट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कॉन्ट ब्रेक थिंग्स, यू कॉन्ट हर्ट पीपल, यू कॉन्ट. मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेंबर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं कि आप जाके उनको मारो और बोलोगे भैया उसने मेरे फैमिली मेंबर को मारा तो मैंने मार दिया. तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने आपने उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सज़ा होगी. तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट, यू स्टिल हैव टू फॉलो द लॉ वेदर यू लाइक इट और नॉट. आई डोंट थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इज इन in in the lawful situation, that's my only thing. But censor board ke haath mein hai na certificate dena, to wo decide karenge, government decide karegi kaun matlab kisko validity kiski hai, censor board ki ya dusri bodies ki hai, wo government should decide. Main to us ohde pe hu nahi ki main uske bare mein. Thank you guys, thank you. Ek lastly jaanna chahungi, like you said ki log aajkal Netflix wagera pe filmein dekhne lage hain, jo
क्या आपको लगता है कि अगर किसी तरीके से चलता रहा तो इंडियन सिनेमा का जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है? हिंदी सिनेमा को ऑलरेडी धक्का लग चुका है और लग रहा है हर हफ्ते। हॉलीवुड सिनेमा जिस तरह से बिजनेस कर रहा है और रीजनल सिनेमा जिस तरह से आ रहा है और ऑडियंस जो है छूट रही है उससे, हिंदी सिनेमा से वो जा रही है हॉलीवुड की तरफ और रीजनल सिनेमा की तरफ, और फिर नेटफ्लिक्स का भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हर कंट्री में जहाँ जहाँ इस तरह का हुआ है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री को धक्का लगा है। तो हमें ऐसी फिल्में बनानी पड़ेंगी जहाँ लोग रिलेट कर सकें, और चाहे वो ब्लॉकबस्टर हो चाहे वो उस तरह की फिल्में हों जो लार्जर देन लाइफ हों, उसमें भी नया फ्रेशनेस आना ज़रूरी है। बाहुबली सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, गोलमाल एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं जो भी कहूँ मुद्दा बन जाएगा, तो मैं प्यार से कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी हिंदू हूँ और मुझे नहीं लगता इतना कच्चा होता है धर्म कि एक पिक्चर से टूट जाए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खासियत ये है कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो पिक्चर देख लें उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हों तो, क्योंकि हमारे देश में एक बॉडी है जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है, तो वो पहले अपना काम कर चुकी है। और मुझे अपने फेथ, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन में इतना विश्वास है कि वो 2 या 3 घंटे की पिक्चर से हिलेगा नहीं।